सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलो सर्वाइवल। तो पिछले एपिसोड में हमने ट्रोडॉन को टेम करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे, ठीक है, जो ट्रोडॉन टेम ही नहीं हुआ। तो चलो आज के एपिसोड में हम ट्रोडॉन को छोड़ते हुए कभी बाद में टेम कर लेंगे, लेकिन आप मेरे को कमेंट में एकदम प्रॉपर वे बताओ उसको टेम करने का, मैं ज़रूर उसको टेम करना हूँ, टेम करूँगा। लेकिन वो अब तक का सबसे हार्डेस्ट टेम मेरे को लगा है, बिकॉज इतना मेरे को किसी ने तंग ही नहीं किया है भाई। तो कमेंट में बताओ कि एक प्रॉपर वैसे कमेंट लिखो कि भाई इसको ऐसे ऐसे करो, ऐसे टेम करो। बहुत सारे बंदों ने उसका वीडियो में बोला कि उसको रात के टाइम में टेम करो। देखो रात को मैं टेम कर चुका हूँ, उसे मैं ट्राई किया है, लेकिन नहीं होता हूँ। वो सब बातें छोड़ो, लेकिन आज के एपिसोड के अंदर हम इसको टेम करने वाले हैं। किसको? आज हम ऑइंक को टेम करने वाले। देखो अभी ऑइंक को मैंने अब तक टेम नहीं किया है, तो एक बंदे ने बोला था मेरे को ऑइंक को टेम करो, तो चलो आज हम ऑइंक को टेम करने वाले। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत अपग्रेड आपको बताता चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं बताता क्यों बोल रहा हूँ, ये बताता बीच में आ जाता है। एंड ये देखो मेरे डायल्फ के 184 म्यूटेशन से, इतने ज़्यादा किसी ने देखे इतने ज़्यादा म्यूटेशन? ऑफकोर्स देखे होंगे, लेकिन इतने भी बहुत होते, सोलो में निकालना वो भी भाई, वो भी विदाउट गॉड कंसोल। तो यहाँ पे देखो ये भी है, लेकिन इसका अभी तक म्यूटेशन नहीं निकला है, आई डोंट नो वाई, लेकिन थोड़े टाइम में निकल जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन एक म्यूटेशन निकल जाने के बाद आप आराम से इसके उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसको म्यूटेशन निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा म्यूटेशन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। लेकिन टाइम वही लगता है, टाइम उसमें ये कि एक म्यूटेशन निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज के एपिसोड के ऊपर ऑइंग टीम करने वाला, ठीक है। अभी ऑइंग मिलता कहाँ है? तो ऑइंग आपको कहीं पर ओपन स्पेस में नहीं मिलने वाला, ऑइंग आपको मिलने वाला है केओज में। तो अभी वो कौन कौन सी केओज में ऑइंग मिल सकता है? एक तो है स्काईलॉर्ड, एक तो है स्ट्रॉन्ग जो जिंदगी में मत जाना, एक तो है मैसिव, एक तो है क्लेवर, ठीक है। इन चारों जो भी पांचों केओ में है ऑइंक मिलता है। तो चलो आज हम जाने वाले हैं क्लेवर केओ में। और ऑइंक को टेम करने से पहले आपको चाहिए बग रेपेलेंट, बिकॉज आप बग रेपेलेंट का यूज़ करते हो तो ऑइंक आपको नहीं मारेगा, नहीं तो वो एग्रो हो जाएगा आपके ऊपर, और एग्रो हो जाने के बाद उसको टेम नहीं कर सकते। और प्राइम मीट खाता है वो, तो मेरे पास कोई कीबल नहीं खाता, आई डोंट नो वाई, लेकिन इसलिए मैंने कुक प्राइम मीट लिए है, प्राइम मीट तो है नहीं इसीलिए। और फोकल चिली भाई मैंने ऐसे ऐसी बना दी क्योंकि वो क्राफ्टिंग स्पीड ज़्यादा देती है और मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज़ कर देती है, तो ज़्यादातर मैं मूवमेंट स्पीड के लिए वो यूज़ करता हूँ। और फोकल चिली बहुत अच्छी है। एंड मेरे को बंदे बोल रहे, ठीक है, दो तीन बंदे मेरे को बोल रहे कि डंजन की आप सीरीज़ कंटिन्यू करो। तो गाइज मेरे को कमेंट में बताओ कि डंजन की वापस से अपन सीरीज चालू कर, सीरीज मतलब एपिसोड चालू कर दे, तो आप बताओ, मैं डंजन के ऊपर पूरा एपिसोड में निकाल दूंगा, ठीक है, सब कुछ वो करना है, बताओ अगर आपको चाहते हो तो। नहीं तो देखो मेरे को तो कोई मनी नहीं है, बिकॉज डंजन में ना ही कुछ अलग चीज़ आ रही है और ना ही कुछ आ रहा है, वही ट्रैप्स, वही वो थीम, वही मतलब समझ रहे हो ना। तो चलो अभी हम चलते डायरेक्ट क्लेवर केव, और क्लेवर केव को जाने के उससे ज़्यादा कुछ टाइम लगने नहीं वाला। और आप बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए क्लेवर केव होती का है, जैसे आप ऑइंग किसी भी केव से टेम कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग केव से ऑइंग मत टेम करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत गंदा पिटोगे। तो चलो अब फिलहाल के लिए क्लेवर केव आती है अपने लावा माउंटेन के नीचे, और मैसिव केव में भी जा सकते हो, मैसिव कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपने लेवल लावा है तो लैग बैग बहुत होता है, वैसे भी पता नहीं केव का लैग बढ़ गया है अपडेट के बाद। चलो तो वापस हम चलते हैं सीधा क्लेवर केव। क्लेवर केव में ज़्यादातर आपने को मेघला मिलते हैं, मेघला मतलब आर्टिफैक्ट ऑफ क्लेवर, जो कि आई थिंक नॉर्थ, ये देखो ना यही पे, आप इधर ही है। चलो फटाफट चलते हैं अपना डाइव व्यू करके, भाई साहब कितना लैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है एफपीएस भाई, लिटरली 45 जा रहे हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे अपन जाएंगे भाई, इसका यही दिक्कत है पता है ग्रिफिन्स का, कि ये लोग अपन डायरेक्ट पूरी डाइव मारते उसका वापस ऊपर पूरा देखते हैं तो वो डाइव खत्म कर देता है अपनी, पता नहीं वाई, आई डोंट नो क्यों ऐसा, मुझे क्यों है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। ओह एक सेकंड, नहीं कुछ नहीं, मेरे को लगा गीगा है वहाँ पे। चलो फिलहाल के लिए तो अपना भाई ऐसे हम डाइव मार मार के मजे से जाएंगे भाई, बहुत अच्छा दिखता है ये, मेरे को पता है फर्स्ट पर्सन बहुत अच्छा लगता है ग्रिफिन का मेरे को, मुझे नहीं पता लेकिन क्यों, लेकिन लगता है। और ये रहा अपना वोल्केनो माउंटेन, जिसमें कुछ काम ही नहीं है अपने को, वो देखो सामने है अपनी क्लेवर के, आपको दिख रहा होगी। चलो यार चलते क्लेवर के, टीम करते हैं उसको। ओके ओए ब्रेक लग जाओ, हाँ घुस गया, ये क्या हो गया, इसकी माँ क्या, ये क्या है, अरे ये क्या हो गया, हेलो ये क्या है, ये क्या, कौन सा मजाक है ये, रात के ओए ओ भाई क्या नशे हो रहे बे, हेलो अबे ये कहाँ हूँ मैं, ओके मैं क्यों कहाँ है, अच्छा वो रही क्यों कहाँ है बे, नहीं नहीं क्यों नहीं है, मैं कहाँ पे हूँ, अच्छा मैं बाहर तो हूँ, मेरे को इतना सा पता है मैं बाहर हूँ, लेकिन ये अंधेरा क्यों छा गया बे, ये अंधेरा वाह अंधेरा, इतना खतरनाक वाला अंधेरा। ओके ये रही क्यों दिख गई, ओके ओके ओ
भाई ये क्या हो रहा है, ये कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है भाई? ये मतलब ऐसे ऐसे नशे यार कब करता है भाई भाई? ओके यहाँ पे रैप्टर, रैप्टर तू मेरे ग्रिफिन को परेशान करेगा, इसलिए मेरे को तुझे नरक लोग भेजना पड़ेगा, क्योंकि रैप्टर की जगह नरक में ही भाई जिसको तो है वो छेड़ते रहते हैं भाई कुत्तों की तरह, वो भी आराम से नहीं छेड़ेंगे भाई, कैसे इतना गंदा छेड़ेंगे तो बंदा बोलेगा भाई जाना भाई ले ले मेरी जान ही ले ले भाई। चलो इसको करते न्यूट्रल पे और चलते और एक सेकंड, मेरे को सबसे पहले मैं आर्मर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो मेरा टेक आर्मर डैमेज कर देंगे तो उसको रिपेयर करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कर देंगे रिपेयर, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा मटेरियल यूज़ होता है वो है ब्लैक पल, तो ब्लैक पल मेरे पास है नहीं तो मैं उसको रिपेयर कर नहीं सकता, कर नहीं सकता तो मतलब नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना? समझ गए तो कमेंट बताओ, हाँ भाई हम समझ गए। चलो फलाफ फिर फलाफ 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 ये क्या बोलो, फिलहाल के लिए हम चलते हैं अंदर के साइड और यहाँ पे देखते, ओ भाई तगड़ा लैग, इतना खतरनाक लैग, फट के हाथ में आ गई। चलो और यहाँ पे हम जाएंगे क्यों में, राइट लेफ्ट में कुछ नहीं देखूंगा मैं, सीधा ऑइंग्स को देखूंगा। ओके उससे पहले मेरे को बैग रेपलेंट का, भाई इतना ज़्यादा लैग क्यों हो रहा है भाई? हेलो मैं बोला ना केयू का लैग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पता है आप खुद ही देख लो फ्रेम रेट, वो देखो टॉर्च की फ्रेम रेट देखो, फ्रेम रेट को देखो आप, बस खत्म कर दिया। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट दे रहा है लेकिन मुझे नहीं पता ये, ओके वहाँ पे किसको सामने से, आई थिंक मैंने ज़्यादा उनके सामने यूज़ कर ली इसलिए वो एग्रो हो गए। चलो आप बग रेपलेंट यूज़ करते तो आयरन यूज़ भी आपको कुछ नहीं करती भाई, लेकिन मैंने उनके सामने जाके यूज़ किया तो घंटा वो बोले गया त्रिमा क्या। ओके फिलहाल मेरे को ऑइंग्स की आवाज़ तो आ रही है, ऑइंग्स की आवाज़ मेरे को आ रही है। ओके वो देखो बहुत सारे ऑइंग्स है वहाँ पे, और कुछ सांप वाप है एंड स्कॉर्पियंस और वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके इसको मैं स्कॉर्पियन को मारता हूँ मैं तेरी भैंस के आँख, ओके ख़त्म। ओके ओके ऑइंग्स बहुत सारे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, इनमें से मेरे को लो लेवल का नहीं टीम करना, मेरे को अच्छा लेवल का टीम करना, मतलब मीडियम लेवल का, हाई लेवल का टीम करने जाऊंगा भाई। सूदिंग मामी नहीं लाया मैं, क्या पता क्या पता घंटा टीम होंगे ये लोग। ओके यहाँ पे भी पाँच लेवल का, ओके पाँच लेवल का नहीं करना अपने को, पाँच लेवल का बहुत कम हो जाएगा तो यू टीम हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही टीम हो, चुटकी में टीम हो जाएगा। और वहाँ पे मेरे को वो मेघला है क्या? हेलो नहीं टाइटन भाई, टाइटन वो आया, वो हेलो मरा जिंदा है, मरा हुआ है भाई ये, ओ भाई ये क्या मजा के भाई, पाँच लेवल का क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, 5% भाई कैसे क्यों किस लिए, इतना गंदा टेम जिंदगी में नहीं सोचा था भी होगा। ओके गाइस अभी मैं क्या कहूँ तो वापस घर पे जाना पड़ेगा मेरे को, और घर पे जाने के बाद मेरे को सूदिंग बाम लेके आना पड़ेगा भाई, इससे बात नहीं बनने वाली भाई। एक तो मांग रहा है घंटों सदियों बाद और ऊपर से हो रहा है सिर्फ 5%, मतलब कैलकुलेट करने जाओ तो 5 बहुत बार हो जाएगा, टाइम 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 मतलब ख़त्म। तो उससे अच्छा हम फटाफट जाते हैं सूदिंग बाम लेके, आपको 2 सेकंड में मिलते हैं, ठीक है? हम आ चुके हैं वापस से गाइस क्लेवर क्यू के सूदिंग बाम लेके, और ये दुआ क्यों है भाई, किस लिए है ये दुआ, और लैग किस लिए है भाई इतना ज़्यादा लैग? हम कोई टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट जाएंगे जाएंगे एकदम फटाफटा जाएंगे, फटाफटा जाएंगे फटाफटा, इस बार हम इस साइड जाएंगे, ठीक है? इस बार हम इस साइड जाना, ओ ओके वाइंग्स है यहाँ पे। ओके मेरे को हाथ में शॉट गन रखने दो प्लीज़, और यहाँ पे ओ 50, ओ ये हुई ना बात, ओके 75 हम 55 वाला करेंगे, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, 55 ही बहुत ही ना, वो 5 लेवल का था, नहीं नहीं 5 लेवल का नहीं था वो, आई डोंट नो 5% गेम हुआ था। शूटिंग मैम इसको यूज़ करने, ओके चलो इसको यूज़ हो गई, प्राइम मीट मुझे नहीं खाना। ओके 47% टेम हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया ब्रो। ओके काफ़ी टाइम वेट करने के बाद ये मांग रहा है खाना, बहुत लेट भाई, बहुत टाइम हो गया। दोनों को मैंने दोनों को कब खिलाया भाई, मैंने दोनों को कब खिलाया मेरे को तो याद नहीं है भाई, फिर से वेट करना पड़ेगा यार, ये वेट करना भाई, ये वेट ही करना भाई बहुत मुश्किल लगता है मेरे को यार, क्या करे यार। ओके गाइस फाइनली अपना ऑइंक जो है वो टेम हो चुका है, ऑइंक ऑइंक्स की चीज को ऑइंक्स बोलते हैं ना, ऑइंक बोलते हैं ना इसको, ऑनिक्स सोनिक्स क्या बोलते हैं, चलो इसको हम ऑइंक ही बोलेंगे। एंड इसको हम फॉलो करते हैं अपने पे एंड लेके चलते इसको बाहर की, ओके यही रास्ता है ना मेरे को, यही रास्ता है, ओके आई थिंक सो यही रास्ता है वो, यहाँ से जाएंगे अपन स्ट्रेट, आई थिंक यही रास्ता है ओके यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की साइड। बेटा आ रहा है तो पीछे, इसकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। ओके ये रहा रास्ता अपना, इधर आ जा आराम से, ओ ये ओ फॉलो अच्छा कर रहा है, ये फॉलो बहुत ही सही भाई, तू किससे लड़ाई कर रहा है भाई, किससे लड़ाई कर रहा है तू जरा कोई बताएगा? ओके कोई बात नहीं, चलो इसको हम करते हैं स्टॉप। क्या गुलाटी मार रहा है क्या बे,
अबे ये क्या कर रहा है तू भाई? हेलो, तू गुलाटी काहे मार रहा है हवा में भाई? ये पहले तो नहीं देखा था ऐसे करते हुए तुम हवा में गुलाटी मारते। तुम शांत रहो, इधर ही बैठो, तुम इधर ही बैठो ठीक है, हम आते थोड़ी देर में। नहीं हम नहीं आते। अबे वापिस से किससे लड़ रहा है भाई? हाँ लगा ही था रैप्टर, इसलिए मैं बोलता हूँ रैप्टर को नरक में जगह देनी चाहिए भाई। किसी को शांति से जीने नहीं देते भाई, इतने तो कोई डायनो परेशानी नहीं करता, वो कारनो वर्नो तो वो तो शांत से अपने भाई खाना खाना खाते, बाद में आराम से चलते रहते भाई। ये लोग जिसको देखे उसको उठा लो भाई, बाप का माल समझ के रखा है क्या मतलब? तो हम चलते हैं बेस पे, फिर इसको भी टेलीपोर्ट करवाते, फिर मिलते हैं आपको। इसकी क्या क्या खासियतें बताता हूँ मैं आपको, चलो फिर लेट्स गो। ओके गाइस, हम आ चुके वापस से इधर अपने बेस में, और मैं ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन अपना ऑइंग आ चुका है। और ऑइंग देखो इसके स्टैट्स इतने भी खास नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन ऑइंग की बात है ये कि उड़ते रहता है हमेशा ठीक है। हाँ ये उड़ता रहता है हमेशा, और मुझे नहीं पता क्या करता है, लेकिन आप इसको अपने टारगेट में करवा के किसको पीट के देखेंगे। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात कि भाई ऑइंग जो होते हैं ना, इनका मेले डैमेज बहुत ज़्यादा होता है ठीक है, टेम करने के बाद और टेम करने से पहले भी ठीक है। मैं दिखाता हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। जैसे कि इसको देखो, इसको मैं पंच मारूंगा भाई, इसका मूवमेंट स्पीड एक तो इतना ज़्यादा स्लो है ना, इसका मूवमेंट स्पीड पर पॉइंट डालना पड़ेगा, फिर मिली डैमेज पर पॉइंट डालना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ कि इसका मेल फीमेल नहीं होता ठीक है। और ये देखो भाई, लायरोस्ट्रो को दो शॉट में कर दिया भाई, दो शॉट में लायरोस्ट्रो को टपका दिया। अभी ये ट्राई को भी मार सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ ट्राई को भी मिल सकते हैं। देखो एक सेकंड, अच्छा भाई इधर आ जाओ, तो पास आप पहले, नहीं तो मैं कट का मार खा जाऊँगा रे बाबा। ट्राई मेरे पे मस्ती नहीं, मेरे पे टेक सूट है, मैं तेरे से ज़्यादा स्पीड भाग सकता हूँ। देखो भाई उसको मार भाई, ऑइंग ऑइंग को मार भाई, ऑइंग तेरे को पीछे मार रहा है भाई, ऑइंग को मारने का, मेरे को नहीं मारने का, मैं तेरे को गोल गोल घुमाएगा ऐसे, तू मेरे को पकड़ नहीं सकता जिंदगी में, पता है तेरे को। ओके देखो अभी बात ये है कि यहाँ पे देखो ये कोई इस पर एग्रो भी नहीं होता है, तो आप इसको एज अ पेट यूज़ कर सकते हो ठीक है, एज अ पेट। हाँ मारते इसको लोग कभी कभी, मार देते कभी कभी, कूट भी डालते कभी कभी, फोड़ भी डालते, लेकिन इसको ज़्यादातर कोई मारता नहीं। इसको मिड डैमेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लो लेवल का है, ये आप सोचो ये लो लेवल का है तो भी इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है। अगर हाई लेवल का टीम करूँ मैं और उसको लेवल अप दूँ मेरे डैमेज पॉइंट में, तो आप खुद ही सोच लो भाई ये कितना ज़्यादा डैमेज करेगा, आपको कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा। आप इसको ऐसे घुमाते हो अपने पीछे और मूवमेंट स्पीड भी अच्छी खासी कर देते हो, आपको फॉलो कर सके वगैरह वगैरह कर सके, तो ये क्या का किसको किसको नहीं पेल देगा ये भाई, बस गीगा के सामने होगा, गीगा भाई इसको वन शॉट कर देगा। ये बात है क्योंकि गीगा का जो बाइट है ना उसमें आता है ब्लीड डैमेज, और ब्लीड डैमेज आप देख ही सकते हो, ब्लीड डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। मेरे दो बार तीन बार ग्रिफिन को मारा था मेरे, ग्रिफिन की हालत टाइट हो गई थी, टाइट मतलब पता ना ऐसी फुल टाइट ऐसी हालत हो गई थी तीन बाइट में। तो भाई क्या है ये क्या है भाई, ये एक ही बाइट में मर जाएगा। ओके कार, ओ 125 लेवल का कार्बोनिमिस, मेरे को नहीं लगता ये इसको मार पाएगा, क्योंकि भाई इसका ये ऊपर से इसको डैमेज कम पड़ेगा, ऊपर से भाई की 4 की जितनी हेल्थ है, तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ऑइंक अपना है जो कमज़ोर पड़ जाएगा। ओके अगर ओ भाई तो अपना भी मार खा रहा है क्या, एक सेकंड ऑइंक भी मार खा रहा है क्या? हाँ ऑइंक मार खा रहा है, अगर ऑइंग मार खाएगा तो भाई ऑइंग मर जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। रुको लेकिन ऑइंग क्या है, ज़्यादातर वो लोग उस पर एग्रो नहीं रहते, मैं शॉटगन से उसको पील दूँ क्या, मतलब ऑइंग को नहीं कार्बोनिमिस को भाई, ये क्या बात हुई। देखो मैं बोला ना ज़्यादातर एग्रो नहीं होता, उसके बाद डिसएग्रो हो जाता है, फिर ऑइंग उसकी कितनी भी मारे खींच खींच के भाई वो कुछ कहेगा ही नहीं उसको, तो ये ऐसा ऐसी बात है भाई। एक काम करे गाइस, क्या बोलते हो, मैं एक काम करे गाइस, अपने दिमाग में आ चुका है तरता फुरता गुरता घरता मरता सरता आइडिया कि हम ऑइंग के साथ एक गीगा को मारे, या फिर एक अल्फा रेक्स को, या फिर अल्फा रैप, या फिर अल्फा कार्नो अगर दिखे तो, क्या बोलते हो ऐसा कुछ कर रहे हैं करना है एपिसोड में, तो बताओ कमेंट सेक्शन में, ऐसा कुछ करना हो तो बताओ। और आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताओ, लाइक चाहे सब्सक्राइब शेयर करके जाओ, उसको मारता रहेगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, क्या करूँ बताओ, एंड तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।